वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु वाहिगुरु जी जी की की फतेह। फतेह। अज गुरद्वारा श्री कतलगढ़ साहिब विखे दशमेश पिता गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी दे लखते जिगर वड्डे सपुत्र धन धन बाबा अजीत सिंह जी का प्रकाश पुरब मनाया गया। सरबत संगतां दे सहयोग दे नाल बहुत दूर दूर तो संगतां, दूर दुराडे तो संगतां इस अस्थान ते धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी के चरणों के विच आ करके नतमस्तक होईयां। धन धन बाबा अजीत सिंह जी का प्रकाश पुरब 1686 ईस्वी के विच दशमेश पिता गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी के ग्रह माता सुंदरी जी की कुख तो पौंटा साहिब विखे होया। दशमेश पिता गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी भंगाणी की जंग जित के जदों घर आए, दशमेश पिता गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने पूछया गया कि तुहाडे घर जिस बालक ने जन्म लिया है उसका नाम की रख्या जाए। सतगुरु जी कहन लगे, अज भंगाणी की जंग जीती है इस करके इस बालक का नाम अजीत रख्या जाए। वो अजीत जिस नूं दुनिया दे विच कोई भी जित नहीं सकेगा। तो इसे अजीत सिंह ने फिर गढ़ी चमकौर दे विच वो जोहर विखाए जंग दे विच, जिथे 10 लाख की फौज ते बाबा अजीत सिंह जी दे नाल 5 सिंह चमकौर दी गढ़ी दे विचों निकल के बाबा अजीत सिंह जी ने वो मुगलां ते वार कीते। एक ही वार दे नाल मुगलां नूं ढेरी कर देंदे। इस जंग दे विच बाबा अजीत सिंह जी ने दशमेश पिता गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी दे अखां दे सामने फिर मुगल फौजां नूं मौत दे घाट उतारदिआं शहीदी प्राप्त कीती। ते वो बचन सच करके विखाए जिहड़े 10वें पातशाह गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने पौंटा साहिब आखे सन कि इस अजीत नूं कोई जित नहीं सकेगा। ते 10वें पातशाह सतगुरु जी कोलों थापणा लै के जदों बाबा अजीत सिंह जी गढ़ी चमकौर दे विच्चों निकले ते ये बचन कह के निकले सन कि नाम का अजीत हूँ, जीता जीता नहीं नहीं जाऊंगा, जाऊंगा, जीता गया तो वापस जीता नहीं आऊंगा। वो बचन सच करके धन धन बाबा अजीत सिंह जी ने विखाए। बाबा अजीत सिंह जी का प्रकाश पुरब मनाते हैं, संगतां इत्थे नतमस्तक होईयां। असी अरदास करते हैं कि समुच्चा खालसा पंथ धन धन बाबा अजीत सिंह जी दे पाए हुए पूरनियां ते पूरा उतरदा रहेगा, और सिंघां शहीदां दे पाए हुए पूरनियां ते असी चलण दी कोशिश करिए तां कि साडा ये मनुखा जन्म सफला हो सके। जी इतनियां कु बेनतियां प्रवान करनियां जी। वाहिगुरु जी का खालसा, खालसा वाहिगुरु वाहिगुरु जी जी की की फतेह। फतेह।